हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन मैं सेल्फ हिमांशू और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे इनका एमबीए का प्रोसेस क्या है एमबीए में अगर आप यहां पे एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए क्या क्या, -क्या, -क्या स्पेशलाइजेशन है और क्या आपके फायदे हैं क्या नुकसान है तो नुकसान तो वैसे ऐसा कुछ है नहीं बट ठीक है सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं एंड आप इस वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखना आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं फीस से लेके प्लेसमेंट से लेकर और आपको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं चाहिए यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन काफ़ी अच्छा एंड काफी पॉपुलर कॉलेज है अगर हम बात करें मैनेजमेंट फील्ड की तो मैनेजमेंट के कोर्सेज आप यहाँ पे कर सकते हैं बेसिकली एम बी का ज्यादा स्पेशलाइजेशन का वाला कोर्स है वैसे इसमें कई और भी कोर्सेज कराए जाते हैं यहाँ पे यूजी पीजी और पी लेवल तक के कोर्सेज अवेलेबल है अगर मैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो नाइनटीन फिफ्टी वन में जो इंस्टीट्यूट है वो स्टेब्लिश हुआ था प्राइवेट इंस्टीट्यूट है एंड काफ़ी पुराना कॉलेज है तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि इसकी प्लेसमेंट एंड इसका जो नाम है वो उसी हिसाब का है एंड इसकी लोकेशन के बारे में अगर आपको बताऊँ तो ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क टू में ये लोकेटे है उत्तर प्रदेश में इसके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बताऊं तो ग्रेटर नोएडा में देखो आपको कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी की कमी नहीं होने वाली है आपके लिए वहां पर ई रिक्शा वगैरह मेट्रो की फैसिलिटीज और बस वगैरह सारी अवेलेबल है आप इजिल वहां पर पहुंच सकते हैं एंड बाय रोड बाय बस आप वहां पर ईजिली आ सकते हैं तो अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इसकी एफिलेशन के बारे में तो डॉ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जो इंस्टीट्यूट है वो एफिलेटेड है एंड इसके अलावा जो ये इंस्टीट्यूट है वो अप्रूव्ड है ए आई सी टी एन बी ए और एम एच आर डी से ठीक है तो इसके जो भी डिप्लोमा कोर्सेज है वो

थाउजेंड स्टूडेंट्स इनके अभी तक हो चुके अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब तो देखो ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन अब हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं यहां की मेन जिसके लिए आप स्ट्रक्चर एडमिशन कैसे होगा एलिजिबिलिटी क्या क्या है तो देखो बाकी सारी बातों को साइड में रखते हैं और आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे आपका डायरेक्ट एडमिशन कैसे हो सकता है तो उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ के एमबीए के कोर्स के बारे में अगर आप एम चूज करते हैं तो आपका क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर रहने वाला है एम हमारा दो साल का ये प्रोग्राम है ठीक है इसमें आपको स्पेशलाइजेशन काफी सारी अवेलेबल है सेमेस्टर टाइप एग्जाम होता है एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम और सिक्सटी मार्क्स आपके होने चाहिए उस ग्रेजुएशन में एंट्रेंस एग्जाम आपको यहां पर देना पड़ेगा क्लैट मैट एग्जैक्ट सी मैट का और इसके अलावा अगर मैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो टू पॉइंट थ्री फाइव लैख पर ईयर आपकी यहाँ पे फीस रहने वाली है और ये जो आपका कोर्स है वो रेगुलर रहने वाला है तो देखो ये है अब आपका फीस स्ट्रक्चर ये अप्रोक्सीमेटली आपका फोर लैख सेवेंटी थाउजेंड के आसपास पढ़ने वाला है दो साल का तो देखो अगर आपका बजट इतना है बजट फ्रेंडली आपका यह कोर्स है तो आपके लिए जो इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है आप इसमें जरूर एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा तो आप गेट एडमिशन को कॉल कर सकते हैं क्योंकि गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन

टॉप मोस्ट कंपनी जो ग्रेटर नोएडा डेली एनसीआर में है नोएडा में है ठीक है तो वो सारी यहाँ पे आती रहती है एसेंचर वगैरह तो वो सब आपको पता ही है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं तो आप जरूर इसको एक बार अप्रोच कर सकते हैं स्कॉलरशिप भी आपके लिए अवेलेबल है स्कॉलरशिप के लिए आप गेट एडमिशन को कॉल कर सकते हैं तो जरूर कॉल करें एंड आगे बढ़ते हुए अगर मैं इस इंस्टीट्यूट की फैसिलिटीज के बारे में बात करूँ देखो इंस्टीट्यूट है प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो फैसिलिटीज आपको कैंटीन कैफिटेरिया लाइब्रेरी और आपको ये सारी फैसिलिटीज तो मिलने ही वाली है वाईफाई नेबल कैंपस है ए क्लासरूम्स हैं ठीक है और आपको स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटी दी गई है एंड जो मतलब आपके इवेंट्स वगैरह रेगुलरली होते रहते हैं कॉलेज में तो वो एक सबसे बेनिफिशियल पार्ट होता है मेरे ख्याल से ठीक है क्योंकि उसमें ही आपका कॉन्फिडेंस वगैरह बिल्ड होता है तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफी रहेगा अगर आपको कोई और डाउट है तो आप गेट एडमिशन को कॉल करके अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें खुश रहे, रहे आबाद रहे धन्यवाद